फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे वैसे तो कभी सुशांत के नाम पर तो कभी विक्की से अलग होने के नाम पर सुर्खियां बटोरती हैं, पर अब अंकिता ने डिप्रेशन झेलने को लेकर की बात, वो भी बिग बॉस 17 के बाद की। दरअसल हाल ही में अंकिता लोखंडे ने एक इंटरव्यू में बताया कि बिग बॉस 17 के बाद वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो गई थी। आगे डिप्रेशन और एंग्जाइटी के बारे में बात करते हुए अंकिता ने कहा, बिग बॉस के बाद चीज़ों ने मुझे इफेक्ट किया था, इस बात से मैं इनकार नहीं करती हूँ। मुझे एंग्जाइटी की दिक्कत होने लगी थी, इसके बारे में मैंने विक्की से बात की, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। उस वक्त मुझे एहसास हुआ था कि ये कुछ और नहीं बल्कि एंग्जाइटी है। मैं रात भर सो नहीं पाती थी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचती रहती थी, मुझे चीज़ों का खौफ हो गया था, लेकिन हाँ अब सब ठीक है। इन सब चीज़ों को ठीक होने में मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहा। अंकिता ने आगे कहा, हमारे यहाँ ऐसी चीज़ों को बहुत ही हल्के में लिया जाता है, लेकिन उनके परिवार और पति विक्की के सपोर्ट से आज वो ठीक है। अंकिता ने कहा कि पहले मुझे किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता था, फिर चाहे वो ट्रोलिंग हो या कुछ भी, लेकिन बिग बॉस के बाद मैं मानसिक रूप से इफेक्ट हो रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को बाहर निकाला और अब मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँ। वैसे इसके अलावा भी इन दिनों अंकिता और विक्की जैन अपनी लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो ला पिलादे को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। दोनों का ये गाना हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। पहली बार विक्की किसी म्यूजिक वीडियो में नजर आए हैं। एक्ट्रेस ने कहा है कि मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज ये होती है कि जब आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करता है। मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे पास ऐसा पार्टनर है जो बराबर टैलेंटेड है, जिसके साथ मैं सब कुछ कर सकती हूँ। कई बार कॉम्बिनेशन बहुत ऑफ होते हैं, लेकिन हमारे केस में हम हस्बैंड वाइफ हैं और को स्टार भी हैं, जो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है। मुझे लगता है कि जब एक पार्टनर ग्रो कर रहा है, दूसरा पार्टनर भी उसी तरह आगे बढ़ता है, तो बहुत अलग ही ताकत मिलती है। कह सकते हैं कि इस दुनिया में जब आए हैं तो सुख दुख, कुछ खट्टा कुछ मीठा तो लगा ही रहेगा, पर जो खतरों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं वही तो कहलाते हैं खतरों के खिलाड़ी, जो आप हो अंकिता। हर वक्त गुजर ही जाता है। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को।